हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओली। स्टडी टाइम ओली में आपका स्वागत है। और आज हम PIB कंपाइलेशन की बात करने वाले हैं। तो इसके अंदर आज हम बात करेंगे 16th to 29th Feb 2020 की जो भी PIB समरी रहेगी उसकी हम बात करेंगे। ये जो है जी सिस्कर के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। तो आज हम टोटल आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हमारे पास 17 आर्टिकल्स हैं जो वेरियस एरियाज से हैं, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटिक गवर्नेंस, ज्योग्राफी, पॉलिटिक गवर्नेंस, साइंस टैक, और इस तरीके से सारी सभी आर्टिकल को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको लास्ट तक इसमें बने रहना है और जल्दी ही इस लेक्चर को मैं खत्म कर दूंगा, फटाफट आपके सारा रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, तो 15 दिन का पूरा ये कंपाइलेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट एनी डिले। एक्सरसाइज संप्रीति 9th। देखिए, सब जो मैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको बताते चलूंगा वो बस आपको याद रखना, चाहे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इसलिए मैंने पहले से ही चीजों को मार्क कर रखा है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज संप्रीति 9th जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच की एक्सरसाइज है। ये आपको याद रखना है। किस किस के बीच की एक्सरसाइज है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच की एक्सरसाइज है, याद रखना है। आर्मीज के बीच की एक्सरसाइज है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। संप्रीति अभी 9th एडिशन हुआ, कहाँ पे? मेघालय, उमरोई मेघालय के अंदर इसका 9th एडिशन हुआ है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट जो है ये क्या करता है, ऑब्वियसली बात, कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है दो कंट्रीज के बीच में, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के साथ, ड्रिल्स वगैरह होता है, हम एक दूसरे की टेक्निक को सीखते हैं, ऑपरेशन टेक्निक्स वगैरह, इन सारी चीजों को सीखते हैं और चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ट्रस्ट वगैरह देखने को मिलता है यहाँ पे। ट्रस्ट और फ्रेंडशिप जो होती है दो कंट्रीज के बीच में, जैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, यहाँ पे इनहेंस होती देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं, हम गुलफूड 2020 की बात करते हैं। तो गुलफूड 2020 क्या है? देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने इनोग्रेट किया है इंडिया में, इंडिया पेवेलियन 25th एडिशन के अंदर, गुलफूड 2020 दुबई के अंदर किया है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है, गुलफूड 2020 दुबई के अंदर। ठीक है, अब चलिए हम क्या देख लेते हैं इसके अंदर है क्या। एक्चुअल में इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है? एक्सलरेट ग्रोथ। ठीक है, क्या है इसका मेन मोटिव? एक्सलरेट ग्रोथ। ग्रोथ को क्या करना है यहाँ पे? एक्सलरेट करने की बात की जा रही है। कौन से ग्रोथ को? जो भी फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारे इंडिया से जो ग्रोथ है, जो जो भी सब्सटेंस हमारे यहाँ बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स बनता है, उसको हम क्या करने, रॉ मटेरियल को हम क्या करने हैं, एक्सपोर्ट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। इंडिया और UAE के बीच की ये जो है डील है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप और देख लीजिए यहाँ पे। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द लास्ट सेवरल ईयर। ठीक है, तो यूएई जो हो जाता है लार्जेस्ट सेवरल ट्रेडिंग पार्टनर हो जाता है। ठीक है, और यूएई को हमारा थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कहा गया है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। यूएई जो हमारा है थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसका 2018-19 में बायलेटरल ट्रेड हमने कितना देखा था? 59.909 US डॉलर। ठीक है, तो जितना 59.9 बिलियन US डॉलर ये है 2018-19 के। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा जो हमारा देखने को मिलता है कि सनराइज है इंडिया, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलती है। जैसे कि हमारा अगर हम चीजों में वैल्यू एडिशन कर दें और कुछ टेक्नोलॉजी को यूज कर करके हम जो भी हमारे रॉ मटेरियल हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, उसमें हम कुछ थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा मजबूत बना के उसको कुछ प्रोसेसिंग करके उसकी वैल्यू एडिशन करके अगर हम उसको सप्लाई करें तो हमारे एक्सपोर्ट भी ज़्यादा बढ़ेगा और हमें वैल्यू जो होगी हमारे चीज़ों की वो भी यहाँ पे बढ़ती देखते हुए मिलेगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल की हम बात करने जा रहे हैं वो है 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। यहाँ पे COP जो हुआ है, 13th कॉन्फ्रेंस COP हुआ है फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एट गांधीनगर। तो ये गांधीनगर की हुआ है, 13th COP है, ये आपको याद रखना है। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए वाइल्ड लाइफ एनिमल गांधीनगर के अंदर हुआ है, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है प्राइम मिनिस्टर जी ने इसे इनोग्रेट किया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को एड्रेस किया है, बहुत सारी चीजों को यहाँ पे बताया है, बोला है। ठीक है, जैसे कि 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया जो है इंडिया, जो है इंडिया का जो एरिया है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड का लैंड है इंडिया के पास है। ठीक है, देन उसके अंदर जो है हम 8% ऑफ द नॉन ग्लोबल बायोडिवर्सिटी को हम कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है उसको उसकी संरक्षण करना, उसको बचा के रखना जो है हमारे कल्चर में भी देखा जाता है। ऐसा नहीं कि आज हम उठा रहे हैं, ये हमारे प्राचीन सभ्यता से भी रिलेटेड है, हमारी कल्चर, हमारी सभ्यता, इन सारी चीजों से रिलेटेड। जैसे गांधी जी जो चीजें थी नॉन वायलेंस चीजें से, ठीक है, प्रोटेक्शन करना एनिमल्स को, नेचर को, ये सारी चीजें पहले से ही देखी जा रही थी। ठीक है,
प्राइम मिनिस्टर जी ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोली गई, जैसे कि हमारा जो इंक्रीज इन इंडियाज़ कवर फॉरेस्ट है, वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि करेंटली जो हमारा है 21.67% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है कंट्री का हमारा क्या है कवर फॉरेस्ट कवर है। तो ऐसी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रॉम द प्रीलिम पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम ऑल्सो द मेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, तो 21.67% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है हमारा इंडिया का क्या है फॉरेस्ट कवर है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, हमने वेरियस इनिशिएटिव्स लिए हैं क्लाइमेट एक्शन को कंजर्व करने के लिए, क्लाइमेट एक्शन से डील करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, स्मार्ट सिटीज मिशन हो गया, कंजर्वेशन ऑफ वाटर वाटर हो गया, हम वेरियस प्रोग्राम इसके तहत लेके आए हैं। ठीक है, डबलिंग ऑफ फार्मिंग इनकम हो गई, और डबलिंग देखिए यहाँ पे देखिए टारगेट डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स। ठीक है, तो टाइगर्स की जो नंबर्स है यहाँ पे डबल करने की बात की जा रही है, हमने किया था 2010 में। ठीक है, हमारे पास अभी सिर्फ 2 साल बचे हुए हैं, और 1411 टाइगर्स थे 2010 में, और अभी 2967 की बात की जा रही है, अगर 2 साल अभी हमारा बचा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया ने इसको अचीव कर लिया है, 2 साल अभी टारगेट हमारा पूरा होने से पहले ही हमने 2 साल पहले से अचीव कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये बहुत सारी चीज़ दिख रहे हैं, जैसे कि हमने स्नो लेपर्ड, एशियाटिक लायन, वन हॉर्न राइनो, ठीक, ग्रेट इंडियन बस्टर, इन सभी में हमने वेरियस जो इनिशिएटिव लेके आए गए हैं और इन्हें बचाने का हमने काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा यहाँ पे ये स्कीम है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सोइल की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, सोइल की सारी चीजें यहाँ पे निकाल के लाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन वैल्यू कि आपको कितना इसके अंदर फर्टिलाइजर यूज करना है, और आपको ऐसी कौन कौन सी उसके अंदर अमेंडमेंट करना है सोइल में। ठीक है, सोइल के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजों को आपको रखना है, क्या करना है, जिससे सोइल जो है काफी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाए, अच्छा चल पाए, ठीक है, मेंटेन कर पाए। ठीक है, अब देखिए जो 12 पैरामीटर्स हैं सॉइल के, वो यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आ जाए, सल्फर जो होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हो गए, जिंक, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीशियम। ठीक है, ये जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के आ गए। ठीक है, पीएच वैल्यू, ईसी, ओसी, ये फिजिकल पैरामीटर्स हो गए। इस तरीके से टोटल 12 पैरामीटर्स को इसके अंदर ये बताया जाता है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा कौन कौन से पैरामीटर्स के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम अटल भूजल योजना के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अटल भूजल योजना है, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले हम मिनिस्ट्री देखते हैं, किस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पे किया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा किया गया है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अंदर जो है दोनों अप्रोच को हमने यहाँ पे मिक्सअप कर लिया है, टॉप डाउन अप्रोच एंड टॉप बॉटम अप अप्रोच, याद रखिएगा, टॉप डाउन अप्रोच ऊपर से नीचे, और बॉटम अप अप्रोच नीचे से ऊपर, दोनों अप्रोचेस को हमने मिक्स कर लिया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, तो ये किस डिपार्टमेंट के थ्रू कंडक्ट किया जा रहा है, वाटर रिसोर्स रिवर, वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अटल जल मिशन जैसे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट के यहाँ देखा जाता है। ठीक है ना, बिहेवियर चेंजेस, कम्युनिटी लेबर, सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी चीजें हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है, वेरियस कैपेसिटी, हम बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमारे जो टोटल सेवन सेवन जो स्टेट्स हैं उनको आइडेंटिफाइड किया गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात कर रही है, किए जा रहा है कि इम्प्रूव हम करेंगे ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट को, जैसे गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो ये 7 स्टेट्स के नाम आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अटल जो जल है योजना, ये जो भूजल योजना है, जिसके दो मेजर कंपोनेंट है, एक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करना है कि हाँ वहाँ आप उस लेवल पे काम कर पाए, और जो अच्छे से काम करता है उसको इंसेंटिव देना। ठीक है, इंसेंटिव कंपोनेंट इसके अंदर भी रखा गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। नेक्स्ट चलते हैं हम काला कुंभ की बात करते हैं, हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन फॉर प्रमोशन ऑफ जीआई टेक। देखिए काला कुंभ जो है जीआई टेक को यहाँ पे प्रमोट करने की बात कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, आपको मिनिस्ट्री याद रखना है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा ये प्रोजेक्ट किया जाता है काला कुंभ। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव के द्वारा यहाँ पे लेके आया गया है। ठीक है, अब जो एग्जीबिशन ही हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, याद रखना है, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई के अंदर। ठीक है, 178 जीआई हैंडीक्राफ्ट के यहाँ पे प्रोडक्ट्स को जो है आगे लेके आया गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीआई क्राफ्ट लाइक मैसूर का जैसे रोज वुड इनले हो गया, ठीक है, कोल्हापुर की चप्पल हो गई, यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए, सारे नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कहाँ हुआ है और ये कौन करवाता है, आपको मिनिस्ट्री याद रखना है, किस लिए है काला कुंभ, ऐसा इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, किस चीज से लिंक है, जीआई क्राफ्ट से रिलेटेड है, इस तरीके से अलग अलग आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नहीं चलते हैं हम कैबिनेट अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन
ऑफ एन एम्पावरमेंट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ग्रुप। देखिए यहाँ पे सिंपल सा आर्टिकल है, बहुत ही लंबा सा दिया हुआ है, लेकिन ये इसको मैं बहुत ही सिंपली वे में अगर आपको समझाऊं तो इसके अंदर जस्ट एक ही बात कही गई है। देखो आपको जो याद रखना, 12 मेंबर की टेक्नोलॉजी ग्रुप यहाँ पे बनाया गया है। इसके अंदर सिर्फ एक ही बात की गई है कि हम टेक्नोलॉजी को किस तरीके से, हमारे जो टेक्नोलॉजी ग्रुप बनाया गया है, हम किस तरीके से चीजों को इम्प्रूव करें इसके अंदर, ठीक, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कैसे लेके आए, हम चीजों की मैपिंग कैसे करें, प्रोडक्ट की मैपिंग कैसे करें, हम उस टेक्नोलॉजी को कमर्शियल उसका यूज किस तरीके से करें टेक्नोलॉजी का, ठीक है। इस तरीके से वेरियस चीजें बनाई गई हैं, अपडेट मैप टेक्नोलॉजी, इंडिजीनियस रोड मैप बनाई जाएगी, गवर्नमेंट को सप्लाई वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर सारी चीजें मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। तो सेकंड, 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पे बात की जा रही है 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की, ठीक है। ये क्या है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ नॉन स्टेचुररी बॉडी, ये आपको याद रखना है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया क्या है, नॉन स्टेचुररी बॉडी, सबसे पहली बात, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम इसे स्टैब्लिश करती रहती है, ठीक है। और ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1955 में, देन हर 3 साल में कॉन्स्टिट्यूट होता रहता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। रिसेंटली जो था 21st लॉ कमीशन सेटअप हुआ था 31 अगस्त 2018 के अंदर, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ये क्या करती है, जो भी लॉ ऐसे होते हैं कि जो रिलेवेंट नहीं रह गए हैं उसे रिपेल करने का काम करती है, उसे हटाने का काम करती है, और देखती रहती है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ, ठीक है, डीपीएसपी से रिलेटेड, लेजिस्लेटिव माइंड प्रोसेस से रिलेटेड, ठीक है, प्रीएम्बल के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव को जो फुलफिल कर रहे हैं वो ऐसे लॉ लेके आए जाए और जो पुराने जो बेकार लॉ है उसे हटाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम 5G हैकाथॉन की बात करते हैं। देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अंदर नॉर्मली सी बात की गई है कि किस तरीके से हम अपने 5G टेक्नोलॉजी को जो आया गया उसको हम आगे बढ़ाने की बात करी गए हैं। फिर थ्री बेस्ट ड्यूरिंग द इंडियन मोबाइल कांग्रेस की बात करी यहाँ पे, ठीक है। 5G सॉल्यूशन की 10 कैटेगरी, इसके अंदर बहुत सारा रेवोल्यूशन देखने को मिल सकता है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नेंस, एग्रीकेट, लाइवली स्टॉक, इन्वायरमेंट, पब्लिक सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सारी चीजों की बात करी गई है कि स्टार्टअप वगैरह स्टूडेंट्स का हो गया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कुछ खास इसके अंडर आर्टिकल नहीं है, बस ये बताया गया कि 5G आने से किस किस तरीके से हमारा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। पीएम किसान स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ये लॉन्च, पीएम किसान स्कीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी। देखिए फाइनेंशियल नीड जो है यहाँ पे फुलफिल कर रही गवर्नमेंट, ठीक है, प्रोक्यूरिंग द वेरियस इंश्योर प्रॉपर क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब जो 24 फरवरी 2019 के अंदर गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो ये स्कीम आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिससे कि एक मिनिमम सपोर्ट दिया जाता है, ठीक है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर, ठीक है, जिसकी जो कल्टीवेटेड लोन लैंड होल्डिंग है 2 हेक्टेयर से कम है, स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स को, ठीक है, फार्मर्स को, फैमिली को ये दिया जाता है। तो ये आपको स्कीम्स का नाम याद रखना है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें जैसे कौन कौन से एलिजिबल है, तो नेम, एज, जेंडर पता होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है इसके अंदर मेंशन की गई हैं कि ये इस तरीके से आपको वोटर आई, ये ज्यादा इसका खास खास इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, हर काम देश के नाम, कॉर्पोरेट जॉइंट गंगा रिजुबनेशन, ठीक है। तो हर काम देश के नाम यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए गंगा रिवर के आसपास जितने भी चीजें हैं, जैसे बाथिंग घाट्स वगैरह हो गया, नहाने का जो घाट होता है, ठीक है, पब्लिक एमिनिटीज हो गए, पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, ठीक है, उसको मॉडर्नाइजेशन की बात की जा रही है कि उसको हम मॉडर्न करेंगे, उसको हम अच्छे से सुधारेंगे, पिलग्रिमेज जो, क्योंकि हमारी जो रिवर है लाइफ लाइन है एक तरीके से, ठीक है, गंगा रिवर तो ऑब्वियसली बात है लाइफ लाइन है, और बहुत सारे लोगों के सेंटीमेंट्स भी जुड़े हुए हैं, तो हम उसके मेंटेनेंस की बात की जा रही है, बैंक इरोजन प्रोटेक्शन की बात करी जा रही है, तो इस तरीके से जो आसपास उनकी चीजें हैं उसको सुधारने की बात की जा रही है गंगा इसके अंदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे बद्रीनाथ बाथिंग घाट की, गंगोत्री बाथिंग घाट, जो बद्रीनाथ ये जो घाट से इन अलकनंदा रिवर और भागीरथी, जो दोनों रिवर आके जब मिलती हैं तो वो गंगा बनती है, जिसे आपको पता होगा। तो इन रिवर के आसपास भी वही जो चीज, ऊपर गंगा की बात की जा रही है, तो यही यहाँ पे भी बात की जा रही है कि हम यहाँ पे जो अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट वगैरह है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उस सभी चीजों को करेंगे, टूरिज्म, जिससे हमारा टूरिज्म वगैरह जो है इनहेंस हो, क्रिएट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट को देखने को मिले, और छोटी छोटी वेरियस चीजें देखने को मिले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए वज्र से रिलेटेड यहाँ पे एक आर्टिकल है, वेसल 6 वज्र लॉन्च हुआ यहाँ पे, ये कुछ कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, आप एक बार याद रखिए वज्र इज ए सिक्स वेसल है, 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ये आपको यहाँ पे इस तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर है, मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंदर ही आता है, दैट्स इट, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज अजय वॉरियर 2020 की, जो अजय वॉरियर 2020 है, देखिए आपको इसमें क्या रखना है, जो भी एक्सरसाइज होती है किस किस के बीच में होती है, कहाँ हुई है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
कौन से नंबर की एक्सरसाइज ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अजय वॉरियर 2020 क्या है, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है किस किस के बीच, इंडिया और यूके के बीच में, ठीक है। आज जितने भी एक्सरसाइज की हम बात करेंगे या कर चुके हैं उन आपको नोट कर लेना है, ठीक है, फटाफट नोट कर लेना है, रिविजन करना है उसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। इंडिया और यूके के बीच में ये एक्सरसाइज है अजय वॉरियर, ठीक है, अजय रहेंगे, इंडिया और यूके साथ में मिलकर जब भी काम करेंगे तो, ठीक है। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन बहुत भी इस तरीके से हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। एक्स इंद्रधनुष V2 2020 जो है ये किस किस के बीच में, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स के बीच की जॉइंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका फिफ्थ एडिशन हुआ है इंद्रधनुष एट द एयरफोर्स स्टेशन हिंडन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, इससे ज्यादा कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक है। मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम की पोर्टल यहाँ पे बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है ये क्या है, पोर्टल है, ऐप है, ये क्या चीज है, किस चीज के लिए। यहाँ पे टीओपी टॉप याद रखना कि आपने टॉप कर लिया, ठीक है, टॉप याद रखना। टॉप का मतलब ये होता है टी से टोमेटो, ओ फॉर ओनियन, एंड पी फॉर पोटेटो। तो जैसे हमें देखने को मिलता है ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम के अंदर है, ठीक है। तो ये ऐसा याद रखना, यहाँ पे मॉनिटरिंग देखने को मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी आपने सुना होगा, बहुत सारे मेम्स वगैरह भी देख बनते रहते हैं कि टोमेटो के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, ओनियन के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए, या पोटेटो के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गए। ये तीन ऐसी सब्जियां हैं इनके जो प्राइस होते हैं बहुत ज्यादा ऐसा बढ़ जाते हैं, तो हम उसको उसी के ऊपर यहाँ पे क्रॉप एक कैलेंडर लेके आएंगे, क्रॉप एग्रोनॉमी लाएंगे, और बीएस जो है लो प्राइस जो हाई प्राइस अलर्ट यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे अंदर बात की जा रही है, ठीक है। तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, हमने ये देखा। तो आपसे इंडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पोर्टल ये किस चीज के लिए, क्या ये पोर्टल है, टीओपी किस आइटम्स के लिए, टोमेटो ओनियन पोटेटो, ये आपको सब्जी के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और आज का ये लास्ट आर्टिकल है हमारा, बट नॉट द लीस्ट आर्टिकल, जो नेशनल साइंस डे है हमारा कम माना जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। और देखिए नेशनल साइंस डे यहाँ पे मनाया गया है, रमन इफेक्ट, वो सी वी रमन जो है नोबेल प्राइज मिला था उनको 1930 के अंदर उनके इनॉग्रेशन में, ठीक है। अब देखिए इस बार की जो थीम थी वो आपको याद रखना है, थीम क्या थी, थीम थी इस बार की वुमेन इन साइंस। तो साइंस में वुमेन को यहाँ पे आगे लाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन इम्प्रूव करने के यहाँ पे ये बात की जा रही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्यों इनको दिया गया, वो सारी चीजें हैं कि रमन इफेक्ट क्या होता है यहाँ पे बताया गया है, सिंपल जो स्कैटरिंग वगैरह आपने देखने को मिलती होगी लाइट की स्कैटरिंग वगैरह, वही सारी चीजें इसके अंदर बताई गई हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। ये आपकी एग्जाम परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी एग्जाम में कभी इतना डीपली घुस के ये साइंस की चीजें नहीं पूछी जाएंगी, रमन इफेक्ट क्या होता है, वेरी वीक, ठीक है। ऐसा कुछ छोटे छोटे एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि स्मॉलर देन फ्यू यूनिट लाइट पास होती है, जो स्कैटर होती है, वही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आज का ये हमने डिस्कस किया, कैसा रहा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और कमेंट करना है, शेयर करना है, और लाइक करना है। सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए इसको, ठीक है, और फैला दीजिए हर एक जगह। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।